की प्रधानमंत्री का स्वर्णिम कार्यकाल 8 वर्ष पूर्ण होने को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दुर्ग भाजपा कार्यालय में उनकी उपलब्धियों पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रकाश डाला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्णिम कार्यकाल का 8 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे द्वारा कार्यकाल में देश में विकास और प्रगति की ऊंचाइयों को छूते हुए कार्यकाल में किए गए उपलब्धियों के बारे में बताया। इस अवसर पर सरोज पांडे ने कहा कि जिन कल्याणकारी योजनाओं को इन 8 वर्षों में लागू किया गया है, उन योजनाओं से देश की जनता के जीवन और जीवन स्तर पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला है। नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में देश में न केवल विकास की नई राह है बल्कि पूरे विश्व में देश में अपनी एक अलग मजबूत और सफल राष्ट्र की पहचान बना ली है। पूरे विश्व के सभी देश भारत से जुड़ना चाहते हैं। भारत पूरे विश्व की धुरी बन गया है और इसके विकास से ज्यादा दूसरों देशों की नजीर बन गई है। वहीं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि सक्षम और मजबूत नेतृत्व की मिसाल कोरोना महामारी के दौरान देखने को मिली। जहां दूसरे देश अपनी जनता को बचाने में असहाय नजर आए, वहीं भारत ने न सिर्फ इस महामारी को दृढ़ता से मुकाबला किया बल्कि लगभग 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया और साथ ही अपनी चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी की और जनता को इस प्रकोप से बचाया। चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद ने ये भी कहा कि देश कांग्रेस मुक्त करने भाजपा अग्रसर है। इसके साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा कर राज्यसभा सांसद ने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी। निश्चित तौर पर जैसा कि आप दिखाई दे रहा है, आपके माध्यम से पूरा राष्ट्र भी देख रहा है कि कल तक हम अपनी पहचान के लिए मोहताज थे। अगर कोई प्रधानमंत्री भारत का जाता हो तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन आज चर्चा ही नहीं होती है बल्कि भारत के लोगों को भी जानकारी होती है कि भारत के प्रधानमंत्री आए हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या निर्णय किया, वहाँ के भी भारतीय समुदाय को इस बात का गौरव होता है कि भारत के प्रधानमंत्री आए हैं। और जो सबसे मजबूत राष्ट्र की शक्तियाँ हैं वो भी भारत के प्रधानमंत्री को इंतज़ार करती हैं, अगवानी करती हैं और एक सबल राष्ट्र के तौर पर भारत की पहचान करके भारत के प्रधानमंत्री जी को स्वीकार करती हैं। ये हमारे लिए उपलब्धि की बात है। का कार्यकाल 8 साल का पूरा हुआ है। ये भारत के लिए एक स्वर्णिम कार्यकाल था और स्वर्णिम कार्यकाल में 8 साल बेमिसाल रहे हैं। ये जनसेवा, गरीबों के कल्याण के लिए ये सरकार संकल्पित थी और इस सरकार ने ईमानदारी से 8 वर्षों में गरीबों के लिए काम किया, सुशासन लाने का काम किया। जो पहले आज 2014 से पहले तक जो सरकारें भ्रष्टाचार के कारण हर बार घेरे में आती थी, 8 वर्षों में यह हमारी उपलब्धि है कि भारत के किसी भी मंत्री के ऊपर में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता विपक्ष। ये भारत में सुशासन की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में बहुत मजबूती से काम किया। हमारे आस्था का प्रश्न, जिस पर हम बार बार कई बार इस पर लोग राजनीति करते थे, लेकिन आस्था के विषय पर भी आज हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। भगवान श्री राम के मंदिर के साथ साथ सोमनाथ मंदिर का विकास हो रहा है, केदारनाथ धाम पर काम हुआ है, जहां पर लोगों को जाना बहुत मुश्किल होता था। और सबसे बड़ी बात है कि काशी और उस दिव्य काशी जिसको कि भव्य बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, जो वहां के सांसद होते हैं। आस्था के साथ साथ महिलाएं तुष्टिकरण की राजनीति के कारण कई वर्षों से आज़ादी के 70 सालों के बाद भी लगातार भोग रही थी। इन 70 वर्षों में 3 ट्रिपल तलाक पर, 3 तलाक पर कहीं कोई निर्णय नहीं हो पाए थे। उन 3 तलाक पर देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया। 3 तलाक के निर्णय के साथ साथ धारा 370 को जम्मू कश्मीर में निष्प्रभावी करने का काम किया। धारा 370 के ख़त्म होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज वह हमारे मुख्य धारा में शामिल हैं। एक विकास की नई गाथा हम वहाँ लिख रहे हैं। वहाँ के लोग मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज हम वहाँ पर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई हैं उसके कारण सैलानी वहाँ पहुँचने लगे हैं। पर्यटन का जो एक केंद्र हुआ करता था अब वो बढ़ रहा है। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी ने चिंता करी, काम किया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत उन्होंने जो काम किया, उसमें जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस अभियान के पहले जो लिंगानुपात था वो कम हो रहा था। बेटियों को लोग गर्भ में ही मार दिया करते थे, बेटियां इस धरती पे आ ही नहीं पाती थी, जिसके कारण ये पृथ्वी पर एक भयानक त्रासदी का भी विषय खड़ा हो रहा था। भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसको एक अभियान के तौर पर चलाया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज बेटियां पढ़ रही हैं, सशक्त बन रही हैं।
आगे बढ़ रही है और भारत जी के प्रधानमंत्री जी ने इस पर चिंता करी और इस चिंता के साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री जी ने उस हर बच्ची की चिंता करी, उस महिला की चिंता करी जो प्रधानमंत्री जी ने इसको एक अभियान के तौर पर चलाया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज बेटियां पढ़ रही हैं, सशक्त बन रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और भारत जी के प्रधानमंत्री जी ने इस पर चिंता करी और इस चिंता के साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री जी ने उस हर बच्ची की चिंता करी, उस महिला की चिंता करी जो शौचालय के लिए शाम होने का इंतज़ार करती थी, अगर उसे कहीं बाहर जाना है तो अंधेरे का इंतज़ार करती थी, उसका आत्मसम्मान हर बार तार तार होता था। भारत के प्रधानमंत्री जी ने हर घर पर शौचालय बने, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसकी चिंता करी। गरीबों को भारत आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक उन्हें व्यवस्थाएं मिले और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए उन्होंने इस आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करी। यह 8 साल हमारे लिए आत्मनिर्भरता का काल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व को लोग स्वीकारते हैं, आज वो एक मजबूत और सबल सक्षम नेता के तौर पर विश्व में अपना स्थान बनाते हैं और हम इसके साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चले हैं। अब भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होने जा रहा है, मजबूती के साथ में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विश्व गुरु के पद पर आसीन होंगे। भारत को आज लोग एक सबल और सक्षम राष्ट्र के तौर पर देखते हैं, जो अभी तक लोगों ने भारत को एक दबे हुए विकासशील राष्ट्र के तौर पर पहचान दी थी। ये भारत आज लोगों को कोरोना के काल में वैक्सीन उपलब्ध कराता है, सबसे पहले वैक्सीन बनाता है और अगर मजबूती के साथ में कहीं युद्ध हो रहा हो तो 23,000 हमारे छात्राओं को वहाँ से सकुशल वापस निकालने का जज्बा अगर कोई दिखा सकता है तो वह हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम आगे बढ़े हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। भारत की जनता उनको दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही है और आने वाला समय भारत के लिए स्वर्णिम होगा। वैभवशाली भारत का हम निर्माण करेंगे और इसके लिए 130 करोड़ भारतीय कृत संकल्पित हैं। हम आगे बढ़ेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।